ओके, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पीपल कोटी। तो अभी हम लोग हैं उत्तराखंड पे, तो इधर इस बार कुछ हम डिफरेंट कर रहे हैं। हम इस बार पैदल जा रहे हैं, तो बाइक वाइक सब इस बार हम रख दिए, बाइक नहीं ले रहे, पैदल हम ट्रेक करेंगे। और इधर हम ट्रेक करने के लिए आए पंगाचूला। तो हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था, खास करके मेरे पीछे इधर रचित दिख रहा होगा, हाँ, तो रचित ने डिसाइड किया था कि साल में हम दो बार ट्रेक करेंगे। अभी कर वो दो बार रहा है, हम कर रहे एक बार। और ये पीछे पवन मेरे साथ हर एक ट्रिप में रहता है ऑलमोस्ट। तो बाकी का कहानी इधर कैसे पहुँचे, आगे का क्या है, वो सब हम जाते जाते बताते हैं। तो इधर अब रूम कुछ ऐसा है, ये दिख रहा है, ये कुछ ऐसा रूम है, इधर मैं सोया था, इधर पवन और रचित, मेरा एक बैग उधर, एक बैग इधर, ये पवन का बैग ये वाला, और वो रचित अपना बैग पैक कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा छोटा साइज है। बाकी इधर से मज़ा आ रहा है, तो बहुत सुंदर है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़े तुगासी गांव के लिए टेम्पो ट्रैवलर में बैठ के। ये जगह पहुंचने में हम लोगों को लगा 2.5 घंटा। बीच में हम जोशीमठ को क्रॉस किए, और जोशीमठ क्रॉस करने के बाद जो नज़ारे शुरू हुए वो बहुत ही बेहतरीन थे। तो इसी बहाने टेम्पो ट्रैवलर में हम लोगों का रोड ट्रिप भी हो गया। हम पहुंच चुके थे तुगासी गांव पे, और मुझे अभी पता चला कि जो भी वॉइस रिकॉर्ड हुआ था गोप्रो में वो हुआ ही नहीं, मीडिया मॉड का प्रॉब्लम था। रीग्रुपिंग के बाद हम लोग चलना चालू किए तुगासी गांव में। शुरू से थोड़ा सा सेक्शन हम लोगों को कंक्रीट वाला मिला, और यही कंक्रीट वाला सेक्शन ख़त्म होता है जहां पे उधर एक वाटर पावर चक्की है। ये पानी से घूम रहा है आटा पीसने की जगह। और इसका आउटलेट ये रहा, इसका डिस्क, और ये आउटलेट है। पानी उधर से ऊपर से इसके अंदर होके फिर इस साइड जाता है। और ये व्यू, तुगासी गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वाटर स्ट्रीम्स है, और यही वाटर स्ट्रीम गांव में जो खेती होता है उसमें काम में आता है। गांव का लोअर सेक्शन और अपर सेक्शन के बीच में जो जगह है वो खेती में ये लोग यूज़ कर रहे हैं। और इधर से जो व्यू आता है पीछे द्रोणागिरी माउंटेन का, वो बहुत ही खूबसूरत है। तो इधर से अभी टोटल 2.5 किलोमीटर का ट्रैक बाकी है जहाँ पे मैं हूँ अभी। और ये आगे सब लोग चल रहे हैं, थोड़ा सा आगे स्टीप सेक्शन आएगा और उसके बाद ही हम पहुंचेंगे गुलिंग टॉप। तो इधर गांव के अंदर ही कुछ ऐसा स्टीप सेक्शन हम लोगों को मिल गया। अब नीचे से मैं इधर तक चढ़ के आया था, और ये ऊपर भी अभी चढ़ना बाकी है। नीचे हम कुछ देर रुके थे जस्ट एक चाय ब्रेक के लिए, कुछ लोगों ने उधर ब्रेड ऑमलेट भी खाए। तो ये एक रेस्टोरेंट जैसा है गाँव के अंदर, और इधर बेयर मिनिमम सा कुछ मिल जाता है। मोस्टली ये टूरिस्ट लोगों के लिए या फिर ट्रेकर लोगों के लिए ही है। तो उसके बाद हम निकल पड़े, ये बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं। इस ट्रैक में हम लोगों का पहला दोस्त बना जितेंद्र भाई। जितेंद्र भाई है हल्द्वानी से, और इस ट्रैक पर सोलो आए हैं। वैसे वो मेरे जैसे ही बैंक में नौकरी करते हैं, बट सरकारी बैंक में। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि पवन के लिए इससे अच्छा रूम मेट या टेंट मेट हो ही पवन नहीं सकता। अकेला सोना नहीं पड़ेगा अभी। तुम्हारी बाद में स्टिकर्स दिखाएंगे। चलो अब एंड वी आर एट द लास्ट मैगी पॉइंट। सामने है बस इधर ही लास्ट मैगी पॉइंट, एंड ऊपर लोग फोटो खींच रहे हैं। एंड दैट्स द टेंट, TTH का टेंट इधर 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 चलते हैं। तो इधर सब फोटो वोटो खिंचा रहे हैं,
ऊपर इस कोने पे है पंगाचुलप का पीक, जो अभी दिख नहीं रहा। नहीं, ये रहा पंगाचुलप का पीक इधर से, और इस साइड है ये वाला द्रोणागिरी। ओके, और फिर हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, कुछ लोग ऊपर ऊपर बैठे हुए हैं, एंड ये टेंट चालू हो चुके हैं आगे से। ये टेंट चालू हो गया, ऊपर भी टेंट है, तो देखते हैं। ये लाल कलर का जो लिक्विड दिख रहा है ये है रोडोडेंड्रॉन जूस, जो लोकली सोर्स्ड है। ये हम लोगों को इधर जो मैगी पॉइंट है उधर पे मिल गया, 30 रुपये लिया, और इसका टेस्ट कुछ एक एनर्जी ड्रिंक जैसा ही है बट थोड़ा सा अलग है। ये पी के हम फिर निकल पड़े, लगा कि आसपास ही टेंट्स है, बट ये एक स्कैम था। जो नीचे के टेंट्स थे वो हम लोगों के थे नहीं, तो हम लोगों को और 300 मीटर ऊपर तक जाना पड़ा। 300 मीटर चढ़ने में पहले दिन तो थोड़ा बहुत फटके चार हो ही रहा था। ऊपर पहुँचते पहले पीले पीले कैंप साइट दिख गए, जो कि ना फॉरेनर्स के थे, और उसके थोड़ा सा आगे हम लोगों का लाल वाला TTH का टेंट दिख रहा था। ये देख के हम लोगों का एनर्जी और थोड़ा ज़्यादा ही पंप अप हो गया, तो हम जल्दी जल्दी उधर तक पहुँच गए। तो इधर पहुँच चुके हैं कैंप साइट, ऐसा कुछ है कैंप साइट। सामने पंगाचुला पीक, ये रहा कैंप साइट, एंड चलो बैग वैग रखते हैं। बैग रखने के बाद पहला काम होता है कि खुद को कूल डाउन कर लो, नहीं और स्ट्रेचिंग वेचिंग कर लो, नहीं तो बहुत ज़्यादा मसल क्रैम्प होने लगते हैं, तो पहले स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। आपका ठीक है, साथ में किचन है, और पानी भी अगर रिफिल करना है तो वहीं पर स्ट्रीम आएगा, ठीक है, पानी भी आप वहीं पर ही जमा करना है, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पर अभी कुछ टेंट लगाया है स्टाफ ने, ठीक है, पहले पहुँचे थे, कल के बाद आप खुद लगाओगे, ठीक है, कल फर्स्ट लास्ट नहीं होगा तो आप कैंप लगा, क्योंकि 3 दिन आप फिर निकालोगे नहीं कैंप, ठीक है। ओके, अभी एक डेमो भी दे देंगे हम यहाँ पर, टेंट को किस तरह से पिच किया जाता है। अभी थोड़ा सा लंच में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि तो गैस का तो भट्टी है ना, तो थोड़ा घोड़े की वजह से थोड़ा भूल हो गया, ठीक है, अभी दूसरा भट्टी आ रहा है, तो एक थोड़ा आधा पौने घंटे थोड़ा लेट हो गया, ठीक है। फर्स्ट डे थोड़ा सा लेट होता है क्योंकि यहाँ पर सामान भी चेक होता है, तो कल के बाद ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ओके, स्ट्रेचिंग सेक्शन करते हैं टीम, सबसे पहले मुझे क्लैप करके दिखाओ, आपको क्लैप। अभी जिसने भी यहाँ पर ये लगाया ना, ग्लव्स निकाल दो इनको, ठीक है। अभी यहाँ पर ये अगर आप इतना कंफर्ट जोन लोगे तो ऊपर तो बहुत ठंडा है। 1 2 3 4 5 चेंज प्रोसेस लाइक दिस, 1 2 3 4 5 चेंज, 1 2 3 4 5 ओके, बैक साइड 1 2 3 सामने 1 2 3 4 5 चेंज 1 2। स्ट्रेचिंग बीच में ही रोकना पड़ा क्योंकि बारिश चालू हो गया था, और झटपट हम लोगों को जाके लेना था जो मैट्रेसेस है, पतला वाला मैट्रेसेस ही मिलता है इधर, तो वही लेने के लिए हम लोगों को भागना था किचन वाले टेंट पे। किचन वाले टेंट पे पहुंच के देखा कि आधे लोगों ने तो ये ले ही लिया है मैट्रेसेस, और ये लेके मैं भागा अपने टेंट की तरफ। लो मैट ले ले अंदर से, हाँ दो है, एक तेरा एक मेरा, ठीक है। तो ये वाला टेंट हम लोगों ने लिए, ये वाला पवन और पवन के रूममेट में। अभी इसके अंदर कुछ ऐसा सीन है, पता नहीं वॉइस भी रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, बट ये 4 पीपल टेंट है, हम दो ही रहेंगे। बारिश चलो, ओके, तो अभी मैं टेंट के अंदर बैठा हुआ हूँ, लंच वंच हो गया, बाकी लोग अभी लंच करने के लिए गए हैं। लंच का कुछ दिखाया नहीं, बहुत मतलब लाइट नहीं था, ऊपर से बारिश भी हल्का हल्का सा चल रहा है, तो जल्दी जल्दी लोग कर ले रहे लंच। एंड तो इधर तक हम पहुँचे कैसे, मैं लास्ट बोला था जब पीपल कोटी से हम लोग निकल रहे थे, तो तब बोला था मैं पूरा कहानी बताऊंगा, बीच में उतना टाइम नहीं मिला, मैं ध्यान दे रहा था अपने
हाइक पे, मतलब जैसे मैं चल रहा था तो उस पे के ऊपर ध्यान दे रहा था। तो मैं पीपलकोटी कैसे पहुंचा? घर से निकला, घर चेन्नई में अभी, तो मैं उधर से निकला और कैब लिया, और कैब लेके पहुंचा मैं डायरेक्ट चेन्नई एयरपोर्ट। चेन्नई एयरपोर्ट से फ़्लाइट था विस्तारा का, और उधर से मैं पहुंचा दिल्ली। दिल्ली में मुझे पिकअप करने आया था पवन। पवन भाई आ गए अपनी नए नवेली दुल्हन को लेकर, और हम जाएंगे इसमें, करेंगे अभी सवारी। और मैं पवन के बाइक में पहुंचा उसके घर, पूरा दिन उधर ही था। एंड रात को हम लोगों का ट्रेन था, तो वो शायद था रात को 11:55, जो हम लोगों को सुबह 4 बजे पहुंचा दिया हरिद्वार। चलो हो गया। आर वी रेडी? यस। एंड देन हम उधर से ऑटो में, हम तीनों ठूस ठूस के आए, तो ऑटो पकड़ के हम पहुँचे जो TTH का बुकिंग सेंटर है। तो हम अभी ट्रैक कर रहे हैं, ट्रैक द हिमालयस के साथ, उनके ही जो टेम्पो ट्रैवलर्स हैं उसमें चढ़ के हम पहुँचे पीपलकोटी। पीपलकोटी तक पहुँचते पहुँचते इवनिंग हो गया था, अराउंड अराउंड 5-6 तक हम पहुँच गए थे। तो अभी तक का कहानी ये है, अभी देख रहे थे ड्रोन उड़ सकता है कि नहीं, थोड़ा वेदर ख़राब है, नहीं तो अभी तक मैं ड्रोन को उड़ा चुका होता। चलो, अगर ड्रोन उड़ाता हो तो ड्रोन शॉट इधर है। तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं एक एक्लिमेटाइजेशन वर्क पे। तो आगे सब चढ़ रहे हैं, हम भी पीछे पीछे चल रहे हैं, हमारे पीछे पवन बहुत ज़्यादा वो रहा पवन। चलो, बाकी सब बढ़िया है। बादल नीचे आ चुके, पूरा पूरा बादल नीचे, द्रोणागिरी सामने, वो रहा पंगा चूल्हा, नीचे हम लोगों का कैंप साइट, और ये सब आ रहे हैं। चलो यार, रचित को एक डाउट हो रहा है कि ये मरून है कि नहीं है। पिंक है, ठीक है, ये भी पिंक है। आप बताओ ये पिंक है कि मरून है, ठीक है, ठीक है, कमेंट्स पे कमेंट्स। ओके, ये कौन सा कलर है रचित? पवन, ये वाला? ये मेरा वाला कौन सा कलर है? एज्ड पिंक। जितेश भाई बताएंगे? यार ये मेहरून है। सही है, तो हम बोलेंगे, मैं तो बोल रहा हूँ, तू ना जो ऑर्डर किया तेरे को वही मिला है, तू मेरून ऑर्डर किया है तेरे को मेरून मिला है। चल, और क्या, जो ऑर्डर करते हैं वही मिलता है, ऐसे थोड़ी वो कुछ भी दे देगा। हाँ, वो भी अमेजन। हाँ, कोको भी नहीं बेचा है, वही तो बोल रहे हैं यार। वहाँ जाना है पेड़ों के बीच में। ये फ्लैट लेंस बहुत सही लग रहा है, पूरा पूरा फ्लैट दूर तक। हाँ, वो द्वंस दिख रहे, वो रहा लाल लाल। पूरा बादल नीचे तक आ चुका है। अरे, इनके लिए तो डेली का है, डेली ट्रिक्स इनको फ्री में मिलता है, हम लोगों को इधर रहना होता है। आ जाओ उधर से, अभी हम लोग बैठे हैं इसके ऊपर, ये बदतर है। अभी नीचे से एक फोटो तो खिंचा लेते हैं। हाँ, ये चीज के नीचे। ओए रचित, अपना पैर धो जाओ अच्छे से, कोई बात नहीं, फोटो बना लेंगे। तो हम ऐसे करते हैं, अभी लोगों से फोटो खिंचाते हैं, देख के उचड़ना भाई। हाँ, थोड़ा ऊंचा है, असली पड़ी है, देख के भाई। चलो रचित हमारा फोटो खींच के दे रहे। चलो, गंदा फोटो आया तो रचित रिस्पॉन्सिबल भाई। उससे पहले थोड़ा हिमालयस के बारे में आपको बताऊंगा। हम किस
रेंज में किसी को कोई आइडिया? 2900 रेंज रेंज गढ़वाल ही इसमें हमको खुद नहीं पता गढ़वाल लोअर हिमालय जब आपस में जब टकराई थी कुछ एक हिमालय जो है पहले से ही बना हुआ था जिसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। जैसे आपका काराकोरम रेंज का जो आउटर हिस्सा है, ठीक है, लद्दाख रेंज का आउटर हिस्सा और कुछ एक हिस्सा जैसे जो आपके तिब्बत में चला गया, ठीक है, तो सारा ट्रांस हिमालय में आता है। ओके, गुड मॉर्निंग। आज है ट्रैकिंग का डे 3 और चढ़ने का डे 2। तो एक दिन हम लोगों ने बेस कैंप पे रुके थे, तो उसको अगर कंसीडर करें तो डे 3 है आज। एंड अभी हमें गोलिंग टॉप पे, इसका अल्टीट्यूड अराउंड 9000 टू 9500 फीट के बीच में होगा। अभी तो सारा सामान बिखरा पड़ा है, ब्रेकफास्ट करने जाना है और उससे पहले बस जस्ट एक बार सब कुछ बैग पैक कर लेना है एंड देन आई विल गो फॉर द ब्रेकफास्ट। आज व्यूज़ बहुत सुंदर दिख रहे हैं तो मैं राइट जाके देखता हूँ। और वो बीच में पंगाचूला पीक दिख रहा है, ये है कैंप्स, रसीद्वार, पवन उधर, बस अब रेडी होने का टाइम है। आज हम जाएंगे खुलाड़ा जो कि ना है 12000 फीट पे, तो रेडी हो जाते हैं, निकलते हैं फिर। तो अभी इसका पैकिंग चल रहा है, हाँ पैक कर रहे, उधर रखा जाओ। ओके, क्या रह गया? हाँ मेरा क्या था, शिपिंग बैग जल्दी दे दो। तो हम कर रहे हैं रिकॉर्ड बैग का पैकिंग, बैग का पैकिंग, टेंट का पैकिंग, जो भी यार कैमरे का थोड़ा वो है, कैमरा शायद हूँ चैंतन लास्ट वेट करते हुए स्टार्टिंग का लिया था, फिर मैंने थोड़ी हेल्प की, बंद कर दिया था। प्रेस करते ये पवन बार बार खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा इनको टेंट कैसे करना है। सैंतन का, सैंतन का देखो भाई, उसका कवर कहाँ है मोनू भाई, उसका कवर कहाँ है? पवन ने को ट्राई किया है सर। हाँ ठीक है, व्हाट अबाउट माय हैंड्स, झरना है वहाँ पे। ओके माय सन, बाल बहुत ही ज्यादा चिपक, 10, 11, 13, 14, 15, 16. अच्छे से, ठीक है, नींद अच्छे से आनी चाहिए तभी आपका नेक्स्ट डे अच्छे से जाएगा। अभी आज का जो ट्रैक है हमारा 4-5 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा, ठीक है, खुलारा के लिए 3400 मीटर के एल्टीट्यूड में हम जाने वाले हैं आज, और जब हम लास्ट पॉइंट में पहुंचेंगे तो 2 किलोमीटर लिटिल बिट असेंड रहेगा, ठीक है, बाकी का पाथ लाइक आपको इजी टू मॉडिफाई मिलेगा। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्रॉसिंग जाते रहेंगे, वो एक डॉगी है हम लोगों के साथ, वो भी जा रहे हैं, कैंप साइड से एक दो आ सकते हैं बट कोई काम नहीं है, थोड़ा सा पैर भी फिसल रहा है, पहला स्नो है, हम लोगों ने माइक्रो स्पाइक या गेटर्स भी नहीं पहने। सीन ऐसा है अभी, इधर से एक बार गिरा तो सीधा नीचे, ये हो जाए सफर।